सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग थिंग्स इजे। गाइस, अगर आप रियलमी 3 एंड 3 आई में अगर आपको कोई भी लेटेस्ट वर्जन में प्रॉब्लम आती है तो आप उससे प्रीवियस वर्जन में जा सकते हो। जैसे कि अभी जुलाई का जो अपडेट है वो है C.14, तो उसमें अपडेट करने के बाद आपको कुछ बहुत इश्यूज जो है वो देखने को मिल रही, तो आपको उससे C.13 वर्जन पे जाना है। तो जी हाँ, ये यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। अब आप लोग प्रीवियस वर्जन में जा सकते हो, C.14 से C.13 वर्जन पे आप लोग डायरेक्टली रोल बैक हो सकते हो, डाउनग्रेड हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे Realme 3 एंड 3 आई के लिए फ्लश टूल जो है वो यहाँ पे ऑफिशियल तरीके से अवेलेबल हो चुका है। पहले Realme 3 एंड 3 आई के लिए फ्लश टूल जो था वो अवेलेबल नहीं था, तो आप लोग लेटेस्ट वर्जन से ओल्ड वर्जन पे नहीं जा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। अब आप लोग लेटेस्ट वर्जन से प्रीवियस वर्जन ओल्ड वर्जन पे जा सकते हो। और साथ ही यहाँ पे Realme 3 एंड 3 आई के लिए बूट लोडर अनलॉक की जो APK है वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। तो काफी अच्छी गुड न्यूज है यहाँ पे Realme 3 एंड 3 आई के लिए, साथ में फ्लश टूल भी मिल जा रहा है और बूट लोडर अनलॉक की जो APK है वो भी Realme 3 एंड 3 आई के लिए अवेलेबल हो चुका है। अब बात रहा है कि इसकी फुल प्रोसेस कैसे है, कैसे हम लोग लेटेस्ट वर्जन से ओल्ड वर्जन पे जा सकते हैं, क्या ये मोबाइल से पॉसिबल हो सकता है, स्मार्टफोन से पॉसिबल हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्मार्टफोन का कोई भी यूज नहीं होगा, आप लोग स्मार्टफोन के द्वारा लेटेस्ट वर्जन से ओल्ड वर्जन पे नहीं जा सकते हो और फ्लश टूल भी स्मार्टफोन में यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको PC की जरूरत पड़ने वाली है और मेरे पास PC नहीं है, इसके कारण मैं इस पर कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। हालांकि मेरे फ्रेंड के पास है, लेकिन वो जो फ्रेंड है वो काफ़ी दूर पर रहता है, तो लॉकडाउन की वजह से मैं उस तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ और वीडियोज है वो नहीं बना पा रहा हूँ। बट है, यहाँ पे मैं आपको फुल स्टेप बता देता हूँ। अगर आपके पास PC वगैरह है तो आप लोग जो है बेहद आसान तरीके से लेटेस्ट वर्जन से ओल्ड वर्जन पे डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे हो कि आप लोग एंड्रॉइड वर्जन को भी डाउनग्रेड कर सकते हो, जैसे कि एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 5, तो शायद से ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। रियलमी वाई की जो अपडेट सीरीज आती है जैसे कि C.14, C.15, उस पर आप लोग डाउनग्रेड हो सकते हो, जैसे कि C.14 से C.13 में जा सकते हो, लेकिन एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 5 पे शायद से नहीं जा सकते हो। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान पर रखना है। और वो जो फुल प्रोसेस है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, ऑफिशियल पोस्ट का प्रोसेस है जहाँ पे आपको सारे डिटेल पता चल जाएंगे। और हाँ, बूट लोडर का भी मैं प्रोसेस का लिंक दे देता हूँ। अगर आपके पास PC है तो आप लोग बेहद आसान तरीके से अपने Realme 3 एंड 3 आई पे बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो। और हाँ, अगर मेरे पास कोई भी PC वगैरह अवेलेबल हो जाती है तो मैं इस पर जरूर आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।